Hi guys, myself Seema Shailjanand. Welcome on my YouTube channel Sai Advanced for Life Science. यहाँ हम मॉलिकुलर डील कर रहे हैं. इस वीडियो में हम रिक्रूटमेंट ऑफ प्राइमेज एंड डीएनए पॉलीमरेज देखेंगे और फॉर्मेशन ऑफ लीडिंग लैगिंग एंड ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स भी देखेंगे. आइए देखते हैं. इससे पहले वाले वीडियो में हमने हेलिकेज का काम देखा था और रेप्लिकेशन फॉर्क का फॉर्मेशन देखा था. वहाँ तक काम हो चुका है. अब प्राइमेज की बारी. रिक्रूटमेंट ऑफ प्राइमेज एंड डीएनए पॉलीमरेज. आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिकेशन फोर्क, आरएफ से हम डिनोट करते हैं, प्राइमेज बाइंडिंग अकर्स. ये देखिए, यहाँ देखिए राइट साइड आपको ग्रीन कलर में हेलिकेज दिख रहा है और रेड कलर में प्राइमेज दिख रहा है. प्राइमेज का काम क्या होता है? प्राइमेज प्रोवाइड प्राइमर, प्राइमर प्रोवाइड करता है 5' to 3' डायरेक्शन में. दैट इज़ इट प्रोवाइड फ्री 3' OH. जब हमने सबसे फर्स्ट वाला रिक्वायरमेंट देखा था डीएनए रेप्लिकेशन का, तब हमने देखा था पॉलीबिटिया को क्या चाहिए, 3 ओरियो बिस्किट चाहिए. और वो कौन ला के देते थे? पापा प्राइमेज ला के देते थे. तो प्राइमेज का काम है फ्री 3' OH प्रोवाइड करना. देन डीएनए पॉलीमरेज, मेनली पॉलीमरेज थर्ड इन केस ऑफ प्रोकैरियोट. और यूकैरियोट में ये काम कौन करता है? डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, रिक्रूटेड फॉर एडिशन ऑफ न्यू न्यूक्लियोटाइड एडिशन, दैट इज डीएनटीपीज. डीएनए के एडिशन को कहते हैं हम डीएनटीपीज और आरएनए के एडिशन को हम कहते हैं आरएनटीपीज. प्राइमर्स आर आरएनए प्राइमर्स, दैट इज ऐड आरएनए न्यूक्लियोटाइड, मींस आरएनटीपीज ऐड करेंगे. व्हाई आरएनटीपीज? सिंस प्राइमेज हैविंग नो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी. प्राइमेज के पास कोई प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होता है. एंड आर एन ए प्राइमर्स आर ईजी टू रिमूव. ये ईजी टू रिमूव होता है. आर एन ए प्राइमर्स को रिमूव करना ईजी होता है. अगर ये डी एन ए प्राइमर होगा तो उसको मुश्किल होगा रिमूव करना. आर एन ए प्राइमर आसान होता है रिमूव करना और वो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी नहीं होता है प्राइमेज के पास, इसलिए आर एन टी पी को ऐड करने के लिए प्राइमेज का ज़रूरत पड़ता है. वाई ईजी टू रिमूव? रिमूव क्योंकि आर एन ए इज़ लेस स्टेबल देन डी एन ए. ये देखिए, ये आरएनए का स्ट्रक्चर है. यहाँ 2' पर भी ओएच है और 3' पर भी ओएच है. जब डीएनए का स्ट्रक्चर देखेगा तो वहाँ केवल 3' पर ओएच होता है बिकॉज ऑफ 2' ओएच एंड प्रेजेंस ऑफ यूरासिल इन प्रेजेंस ऑफ थाइमिन. यहाँ पर आरएनए में यूरासिल प्रेजेंट होता है थाइमिन के जगह पे, इसलिए ये लेस स्टेबल होता है. लेस स्टेबल होता है तो उसको रिमूव करना आसान होता है. आइए हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखते हैं इसका. हेलिकेज प्लस प्राइमेज मिलके प्राइमोसोम बनाता है. प्राइमोसोम का क्या काम होता है? तो हेलिकेज की एफिशिएंसी को बढ़ाता है. प्राइमेज देखिए डीएनए जी कहलाता है प्रोकैरियोट के केस में एंड डीएनए पॉलीमरेज अल्फा कहलाता है यूकैरियोटिक केस में. उसके बाद क्या होता है? उसके बाद प्राइमेज आने के बाद डीएनए पॉलीमरेज को रिक्रूट किया जाता है. यहाँ देखिए इस डायग्राम में, सेकेंड डायग्राम में, डीएनए पॉलीमरेज रिक्रूटेड फॉर एडिशन ऑफ न्यू न्यूक्लियोटाइड. प्राइमेज तो हमारा आर एन टी पीज देता है और ये डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है? डी एन टी पीज ऐड करता है. प्रोकैरियोट के केस में ये काम पॉलीमरेज थर्ड करता है और यूकैरियोट के केस में पॉलीमरेज अल्फा करता है. ये देखिए ग्रीन कलर से हेक्सामेरिक स्ट्रक्चर हेलिकेज दिख रहा है, रेड कलर में प्राइमेज और ब्लू कलर में डीएनए पॉलीमरेज 3 इन केस ऑफ प्रोकैरियोट और पॉलीमरेज अल्फा इन केस ऑफ यूकैरियोट. और इस तरह से देखिए इसको प्राइमर मिल गया और वहाँ से ये एडिशन स्टार्ट करता है. अभी हम सिर्फ प्राइमेज और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का रिक्रूटमेंट देखें या फिर डीएनए पॉलीमरेज अल्फा का. अब देखिए इस डायग्राम में मैं बता रही हूँ, अब वन बाय वन हम देखेंगे कि लीडिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड और ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कैसे बनते हैं. देखिए सबसे पहला, फर्स्ट वन, यहाँ देखिए हेलिकेज है राइट साइड. हमने इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया था कि रेप्लिकेशन फॉर्क का बाई डायरेक्शनल काम होता है. वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी काम करेगा और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी. तो जितना काम राइट साइड होगा सेम काम लेफ्ट साइड भी होगा. एक रेप्लिकेशन फॉर्क के साथ उसका हेलिकेज भी होता है, प्राइमेज भी होता है और डी एन ए पॉलीमरेज भी होता है. तो देखिए राइट साइड भी सब कुछ है और लेफ्ट साइड भी सब कुछ है. अभी हम लीडिंग और लैगिंग की बात नहीं कर रहे हैं, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे. ठीक है, यहाँ हेलिकेज आया, प्राइमेज आया, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड को प्राइमर मिला, वहाँ से उसने डीएनटीपीज ऐड किया और
आगे बढ़ता हुआ चला गया। अब देखिए अभी हमारा रेप्लिकेशन फोर्क इतना ही ओपन था। नेक्स्ट देखिए सेकंड स्टेप में मेरा रेप्लिकेशन फोर्क और उससे ज़्यादा ओपन हुआ। तो जब उससे ज़्यादा ओपन होगा तो फिर क्या होगा, देखिए ये ऊपर वाला देखिए टेम्पलेट स्ट्रैंड 5' एंड आपको दिख रहा है। डायरेक्शन हमेशा डिसाइड करेगा कि कौन सा लीडिंग स्ट्रैंड बनेगा और कौन सा लैगिंग स्ट्रैंड बनेगा। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड हमने लिखा है और नीचे वाले स्ट्रैंड पे देखिए यहाँ पर हेलिकेज प्राइमेज और डीएनए पॉलीमरेज के साथ फ्रेगमेंट्स में बन रहे हैं और लेफ्ट साइड कॉन्टीन्यूस बन रहे हैं। तो कॉन्टीन्यूस जो बनेगा टेम्पलेट को देखिए 5' एंड के तरफ जो बन रहा है वो लीडिंग बनेगा और ऊपर देखिए राइट साइड 5' एंड के तरफ ऊपर वाला लीडिंग बनेगा और उसके पीछे पहले यहाँ से फर्स्ट का जनरेशन होगा फर्स्ट स्ट्रैंड का, उसके बाद उसके पीछे देखिए सेकंड, फिर उसके पीछे थर्ड ओरिजिन से सटा हुआ। तो लीडिंग के बाद लैग करना मीन्स लटकता हुआ, लीडिंग के पीछे वो लटकता है इसलिए उसको लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं, लैग करता है। तो फ्रेगमेंट पहले हमारा देखिए ऊपर इतना ही रेप्लिकेशन फोर्क था तो उसने दो स्टैंड बनाया, एक लीडिंग राइट साइड आपको दिख रहा है, दूसरा अभी हमने उसको डिसाइड नहीं किया कि लैगिंग है कि क्या है, बस अभी देखिए स्टैंड बन रहा है। फिर देखिए उसके बाद हमारा रेप्लिकेशन फोर्क और ओपन हुआ तो लीडिंग बनाया फर्स्ट, फिर उसके बाद सेकेंड बनाया, अब फ्रेगमेंट में बन रहा है तो उसको हम कहेंगे ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहलाता है और ये डिसकॉन्टीन्यूअस मैनर में होता है। इसका थ्योरी अभी हम डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ डायग्राम से समझिए कि लीडिंग का फॉर्मेशन कैसे होता है और लैगिंग का फॉर्मेशन कैसे होता है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कैसे बनते हैं। और सेकंड थर्ड देखिए ओकाजाकी फ्रेगमेंट बन रहा है ओराई के जस्ट पीछे, ओरिजिन के पीछे बन रहा है, पीछे बन रहा है मीन्स लैग कर रहा है, मीन्स लैगिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखिए अब इस डायग्राम में अब हमारा रेप्लिकेशन फोर्क और ओपन हुआ तो जो फर्स्ट स्ट्रैंड है लीडिंग स्ट्रैंड का वो तो 5' एंड उसको आराम से मिल रहा है, वो 5 to 3' डायरेक्शन में आराम से बनाएगा, रेप्लिकेशन फोर्क का डायरेक्शन भी राइट है प्लस लीडिंग स्ट्रैंड का डायरेक्शन भी राइट है। और टेम्पलेट की बात करें तो 5' एंड इसको मिल रहा है तभी तो ये 5 से 3' के डायरेक्शन में नया स्ट्रैंड बना रहा है तो वहाँ से लीडिंग बन रहा है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब उसके बाद देखिए जब हमारा फोर्क थोड़ा सा ओपन था तो एक फ्रेगमेंट बना था, फिर थोड़ा और ओपन हुआ तो दूसरा फ्रेगमेंट बना, फिर थोड़ा और ओपन हुआ तो तीसरा फ्रेगमेंट बना। तो ये जो कॉन्टीन्यूअस मैनर में है वो लीडिंग स्ट्रैंड कहलाता है और ये जो डिसकॉन्टीन्यूअस मैनर में है फ्रेगमेंट्स में है उसको हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड करते हैं। लैगिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लीडिंग के पीछे लैग करता हुआ चलता है। इस बात को बिल्कुल ध्यान से गांठ बांध लीजिए कि ये देखिए नंबरिंग, बिल्कुल नंबरिंग ध्यान रखना है, पहला हमारा लीडिंग बनता है उसके पीछे लैगिंग बनता है, ओराई से जो पीछे जस्ट पहले वाला जो फ्रेगमेंट होगा वो पहले बनेगा। तो यहाँ पर 2 दिख रहा है, फिर 3 दिख रहा है, फिर 4 दिख रहा है। और नीचे देखिए ये तो हो गया आपको ऊपर वाले स्टैंड के हिसाब से, नीचे देखिए अगर हम लीडिंग की बात करें तो पहला बन रहा है 5' एंड, इसको टेम्पलेट का काम कर रहा है और ये 5 to 3 डायरेक्शन में अपना लीडिंग स्टैंड बना रहा है। लीडिंग क्यों बना रहा है, क्योंकि रेप्लिकेशन फोर्क का मूवमेंट जो है वो लेफ्ट साइड है। तो इसको कोई ऑब्स्टिकल हुआ क्या, कुछ भी इसको रुकावट आया कुछ नहीं, आराम से ये अपना बढ़ता हुआ चला गया और 5' to 3' डायरेक्शन में कॉन्टीन्यूअस मैनर में बनाता चला गया। उसके बाद फिर उसके पीछे एक छोटा सा प्राइमर उसका ऐड करता हुआ ओकाजाकी फ्रेगमेंट दिख रहा है, सेकेंड थर्ड देन फोर्थ, ये नंबरिंग याद रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। और ये राइट साइड वाले रेप्लिकेशन फोर्क के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, आप देखिए ये राइट है रेप्लिकेशन फोर्क का मूवमेंट और ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स का मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसलिए वो टूट टूट के फ्रेगमेंट्स में बन रहा है। तो पहले एक तो ये अवधारणा है, बाकी थ्योरी भी हम अभी आपको बताएंगे कि इसके पीछे क्या रीज़न है। पहले देखिए फर्स्ट डायग्राम में कितना रेप्लिकेशन फोर्क थोड़ा खुला था तो एक फ्रेगमेंट बना, फिर दूसरे में देखिए रेप्लिकेशन फोर्क और बड़ा हुआ तो फिर सेकंड और थर्ड फ्रेगमेंट बना, फिर थर्ड वाले डायग्राम में देखिए रेप्लिकेशन फोर्क और खुला तो फिर सेकंड थर्ड और फोर्थ का फॉर्मेशन हुआ। ये तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स की बात हुई और ये चूंकि रेप्लिकेशन फोर्क के मूवमेंट के जस्ट अपोजिट चलता है, रेप्लिकेशन फोर्क अगर राइट चल रहा है तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स लेफ्ट चल रहा है, नीचे देखिए रेप्लिकेशन फोर्क अगर लेफ्ट चल रहा है तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स राइट जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में चलता है इसलिए ये लैग करता हुआ चलता है लीडिंग स्ट्रैंड के।
और इसी को लोग बीच से जो है सो काट के वाई जो रेप्लिकेशन फोर्क वाई शेप पढ़ते हैं, तो लोग आधा आधे में देखिए आधे में नीचे देखिए बन रहा है लेफ्ट साइड हमारा पहला लीडिंग स्ट्रैंड, फिर उसके पीछे ओराई के पास से दूसरा और तीसरा फॉर्मेशन हो रहा है। और अगर राइट साइड का रेप्लिकेशन फोर्क की बात करें तो यहाँ भी आपको एक लीडिंग बन रहा है टुवर्ड्स फाइव प्राइम इंड। इंड हमेशा याद रखना, अगर एक इंड आप याद रखिएगा तो आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत ही सहूलियत हो जाएगा। बस सिर्फ फाइव प्राइम याद रखिए टेम्पलेट का, तो अगर 3 to 5 टेम्पलेट है तो उस डायरेक्शन में हमारा लीडिंग बनेगा। तभी तो जब 3 to 5 रहेगा हमारा टेम्पलेट तभी तो 5 prime to 3 prime वो नया स्टैंड बना पाएगा और वही लीडिंग कहलाएगा, और ठीक उसी के पीछे लैग करता हुआ हमारा लैगिंग चलेगा। देखिए ये तो मैंने डायग्राम के हेल्प से आपको थोड़ा सा समझाने का कोशिश किया है। अब इसका थ्योरी क्या कहता है, फॉर्मेशन ऑफ लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड, आइए देखते हैं। ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन डबल हेलिक्स अनवुंड एंड कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड सेपरेटेड बाई डीएनए हेलिकेज। बिल्कुल डीएनए हेलिकेज जो है हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करते हुए आगे बढ़ता है और हमारा डीएनए डबल हेलिक्स जो है वो ओपन होता चला जाता है। क्रिएटिंग रेप्लिकेशन फोर्क फॉलोइंग दिस फोर्क, इस फोर्क को फॉलो करते हुए डीएनए प्राइमेज एंड डीएनए पॉलीमरेज बिगिन टू एक्ट इन ऑर्डर टू क्रिएट अ न्यू कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। इस रेप्लिकेशन फोर्क को फॉलो करते हुए डीएनए प्राइमेज और डीएनए पॉलीमरेज अपना काम स्टार्ट करता है, मीन्स न्यू कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के साथ अपना कॉम्प्लीमेंट्री डीएनटीपीज और आरएनटीपीज ऐड करते हुए चलता है। दीज इंजाइम मीन्स प्राइमेज एंड डीएनए पॉलीमरेज कैन वर्क ओनली इन 5-3 डायरेक्शन। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, चाहे कुछ भी हो, डीएनए रेप्लिकेशन हो, ट्रांसक्रिप्शन हो, लीडिंग स्ट्रैंड का बनना हो, लैगिंग स्ट्रैंड का बनना हो, ये सब कुछ का फॉर्मेशन 5 prime to 3 prime ही होगा, क्योंकि 5 prime to 3 prime हमारा डायरेक्शन होगा तभी तो हमको 3 prime OH फ्री मिलेगा। और यही तो इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट था कि हमको 3 polypeptide को क्या चाहिए, 3 prime OH चाहिए और 3 Oreo biscuit चाहिए और 5 क्या चाहिए, पर्क चाहिए। तो 5 prime मीन्स उसको टेम्पलेट चाहिए। तो आइए देखिए, दीज इंजाइम कैन वर्क ओनली इन 5 prime to 3 prime डायरेक्शन। द टू अनवुंड टेम्पलेट स्ट्रैंड्स आर रेप्लिकेटेड इन डिफरेंट वे, और इस तरह से वो दो अलग अलग वेज में डिफ्रेंशिएट करते हैं। देखिए, वन स्ट्रैंड दैट इज लीडिंग स्ट्रैंड, जो भी हमने देखा कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड, अंडरगोज कॉन्टिन्यूस रेप्लिकेशन प्रोसेस सिंस इट्स टेम्पलेट हैज 3 prime to 5 prime डायरेक्शन। अभी हमने बात किया कि हम टेम्पलेट देखेंगे, टेम्पलेट हमारा 3 prime to 5 prime डायरेक्शन में होगा तभी तो वो नया स्ट्रैंड 5 prime to 3 prime डायरेक्शन में बनाएगा। यहाँ देखिए, लेफ्ट साइड हमने सिर्फ लीडिंग को शो किया है, राइट साइड हम लैगिंग को दिखाएंगे। ऊपर वाले स्ट्रैंड पे देखिए टेम्पलेट 3 to 5 दिख रहा है और वहीं से हमारा 5 prime to 3 prime उसको फ्री 3 prime OH मिल रहा है, तो लीडिंग स्ट्रैंड बना रहा है। ये है राइट साइड रेप्लिकेशन फोर्क के लिए, और लेफ्ट साइड के रेप्लिकेशन फोर्क के लिए देखिए टेम्पलेट 3 to 5 दिख रहा है और हमारा लीडिंग स्ट्रैंड कहाँ बन रहा है, 5 prime to 3 prime डायरेक्शन में। तो लीडिंग स्ट्रैंड LS हमने लिखा है न्यू स्ट्रैंड के हिसाब से 5 prime to 3 prime में बनेगा, और ओल्ड मीन्स ओल्ड जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, जो मदर स्ट्रैंड है, वो 3 prime to 5 prime डायरेक्शन होगा उसका। डायरेक्शन हमेशा याद रखना है, डायरेक्शन अगर एक बार बढ़िया से उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो बिल्कुल बस सिर्फ एक 5 prime आप इंड लिखिए, उसके अपोजिट में आप 3 prime लिखिए और आराम से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अलाउइंग पॉलीमरेज असेंबलिंग द लीडिंग स्ट्रैंड टू फॉलो रेप्लिकेशन फोर्क विदाउट इंटरप्शन, कोई इंटरप्शन नहीं था क्योंकि जिस डायरेक्शन में रेप्लिकेशन फोर्क मूव करता है लीडिंग स्ट्रैंड भी उसी डायरेक्शन में मूव करता है, इसलिए उसको कोई रुकावट कोई अवरोध नहीं आता है। यहाँ पर पॉलीमरेज एंड प्राइमेज मूव इन सेम डायरेक्शन टू रेप्लिकेशन फोर्क, मीन्स रेप्लिकेशन फोर्क अगर हमारा राइट जा रहा है तो पॉलीमरेज एंड प्राइमेज भी राइट ही जा रहा है, और अगर रेप्लिकेशन फोर्क लेफ्ट जाएगा तो वहाँ पर पॉलीमरेज और प्राइमेज भी लेफ्ट जाएगा। दूसरा देखिए, अनदर स्ट्रैंड लैगिंग स्ट्रैंड कैन नॉट क्रिएट इन कॉन्टिन्यूस फैशन, ऑब्वियस है कॉन्टिन्यूस मैनर में नहीं क्रिएट होता है, बिकॉज इट्स टेम्पलेट स्ट्रैंड हैज़ 5 prime to 3 prime डायरेक्शन। उसमें हमने क्या देखा था, 3 prime to 5 prime टेम्पलेट का डायरेक्शन, यहाँ देखिए यहाँ
फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम डायरेक्शन टेम्पलेट का होना चाहिए। ये देखिए ऊपर वाले के लिए फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम टेम्पलेट का डायरेक्शन दिख रहा है, और लैगिंग स्ट्रैंड का सिंथेसिस न्यू के हिसाब से, तो हमने अभी बताया कि थ्री प्राइम ओएच फ्री चाहिए, तो हमेशा जो भी नया चीज़ बनेगा वो फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम डायरेक्शन में ही बनेगा, और ओल्ड के हिसाब से मीन्स मदर स्ट्रैंड के हिसाब से थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम सॉरी दिख रहा है। एलोइंग पॉलीमरेज वर्क्स बैकवर्ड ऑफ रेप्लिकेशन फोर्क, यहाँ पर रेप्लिकेशन फोर्क के बैकवर्ड चलता है। देखिए यहाँ राइट साइड अगर रेप्लिकेशन फोर्क मूव कर रहा है तो हेलिकेज प्राइमेज और पॉलीमरेज उसके जस्ट अपोजिट मूव कर रहा है। ये अगर रेप्लिकेशन फोर्क राइट है तो इसका डायरेक्शन लेफ्ट है, नीचे वाले स्टैंड पे दिख रहा है, और रेप्लिकेशन फोर्क अगर लेफ्ट है तो देखिए हेलिकेज प्राइमेज और पॉलीमरेज का डायरेक्शन राइट है, अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। कोई भी चीज़ अगर सीधे डायरेक्शन में चलिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन अगर अपोजिट में जाइए तो कुछ ना कुछ रुकावट आता है, तो वही रुकावट जो है वो फ्रैगमेंट्स क्रिएट करते हैं। काउजेज पेरियोडिक ब्रेक एंड क्रिएट फ्रैगमेंट्स कॉल्ड ओकाजाकी फ्रैगमेंट, और इसी फ्रैगमेंट्स को ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स करते हैं। प्राइमेज एंड पॉलीमरेज मूव अपोजिट टू रेप्लिकेशन फोर्क, लीडिंग स्टैंड में रेप्लिकेशन फोर्क का जो डायरेक्शन था वही लीडिंग प्राइमेज एंड पॉलीमरेज का डायरेक्शन था, और लैगिंग में प्राइमेज एंड पॉलीमरेज का डायरेक्शन अपोजिट है। देखिए राइट साइड अगर जा रहा है रेप्लिकेशन फोर्क नीचे वाले स्टैंड पे, तो लेफ्ट साइड हमारा जा रहा है हेलिकेज प्राइमेज एंड पॉलीमरेज। तो ये थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन था, बाकी डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन मैंने ऊपर बताया है कि जैसे जैसे हमारा फ्रैगमेंट वो रेप्लिकेशन फोर्क ओपन होता चलता है वैसे वैसे फ्रैगमेंट्स बनते चले जाते हैं, और ओराय के पास जो भी होगा फ्रैगमेंट वो सबसे पहले क्रिएट होंगे। आइए देखते हैं अब इसके इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। हाँ एक चीज़ और, ये देखिए ऊपर वाला टेम्पलेट देखिए, यहाँ ये बड़ा डायग्राम है इसको देखते हैं। ऊपर वाला टेम्पलेट जो थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम दिख रहा है उसी टेम्पलेट ओल्ड स्टैंड मदर स्टैंड इसको हम कहते हैं, उसी पर आपका लीडिंग भी बन रहा है और लैगिंग भी बन रहा है एक स्टैंड पे। नीचे देखिए नीचे वाला स्टैंड फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम है, इस पर आपको यहाँ पर भी लीडिंग भी बन रहा है और लैगिंग भी बन रहा है, इस बात को याद रखिएगा सेम स्टैंड पे। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है, शायद ये 2019 दिसंबर मेघालय आसाम वाला जो पेपर था उसका है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डीएनए रेप्लिकेशन इज इनकरेक्ट, करेक्ट इनकरेक्ट पे ध्यान देना है, इनकरेक्ट पूछ रहा है। ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन व्हेन एडजेसेंट बाई डायरेक्शनल फोर्क्स कन्वर्स द लैगिंग स्टैंड विल मीट द लीडिंग स्टैंड ऑफ द सेम टेम्पलेट, बिल्कुल सेम टेम्पलेट पे ही तो लीडिंग उसके पीछे लैगिंग बन रहा है, इसीलिए लैग करता हुआ चल रहा है इसीलिए उसको लैगिंग कहते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। मिस पेयर्ड न्यूक्लियोटाइड एट थ्री प्राइम ओ एच एंड ऑफ प्राइमर स्टैंड ट्रिगर्स थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम एक्सोन्यूक्लिएज प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी अभी हमने नहीं डिस्कस किया, इसके बाद वाले लेक्चर में होंगे प्राइमर रिमूवल और प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। तो ये काम करता है थ्री प्राइम और फाइव थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम एक्सोन्यूक्लिएज एक्टिविटी, ये सही है। थर्ड देखिए, इन रेप्लिकेशन बबल मूविंग बाई डायरेक्शनली द सेम पेरेंटल स्टैंड कैन नॉट सर्व एज अ टेम्पलेट फॉर बोथ लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड, तो कैन नॉट सर्व करता है क्या? अभी हमने आपको बताया ना कि सेम टेम्पलेट स्ट्रैंड लीडिंग और लैगिंग दोनों बनाता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड, क्योंकि यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा है और यही स्टेटमेंट इनकरेक्ट बोल रहा है। और वैसे भी जब फर्स्ट को हमने करेक्ट किया है ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन व्हेन एडजेसेंट बाई डायरेक्शनल फोर्क्स कन्वर्स द लैगिंग स्टैंड विल मीट द लीडिंग स्टैंड ऑफ द सेम टेम्पलेट स्टैंड, अगर इसको हमने सेम टेम्पलेट स्टैंड को करेक्ट किया है तो इसके अपोजिट ये बोल रहा है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अगर हमको सेकेंड स्टेटमेंट नहीं भी पता है तो हम इस दो स्टेटमेंट से ही अपना आंसर डिसाइड कर सकते हैं। फोर्थ वन देखिए, डीएनए रेप्लिकेशन इन्वॉल्व्स आरएनए डीएनए काइमेरिक मॉलिक्यूल, बिल्कुल देखिए जो प्राइमर है वो आरएनए है और उसके कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो डीएनए है, तो वो काइमेरिक ही तो बनाता है, हाइब्रिड ही तो बनाता है, तो इसलिए ये काइमेरिक कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थर्ड। उसके बाद देखिए ये वाला क्वेश्चन,
ये भी 2019 दिसंबर का है शायद। ये ऊपर डायग्राम बनाया रेप्लिकेशन फॉर्क का। बेस्ड ऑन दिस फॉर इंफॉर्मेशन फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड। ए में क्या बोल रहा है, ए रिप्रेजेंट्स लीडिंग स्ट्रेंथ वन, ठीक है वन रिप्रेजेंट तो कर रहा है लीडिंग स्ट्रेंथ, वाइल टू थ्री एंड फोर रिप्रेजेंट्स ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। बिल्कुल सही, टू थ्री फोर फ्रेगमेंट्स में बन रहा है, लैगिंग स्ट्रेंथ ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कर रहे हैं, तो ये तो सही है। बी देखिए, एमंग ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स सिंथेसिस ऑफ फोर अकर्स प्रायर टू सिंथेसिस ऑफ थ्री एंड सेकेंड। तो अभी हमने बताया कि फोर मीन्स इसका ओरिजिन कहाँ है, फोर के पास है, तो ओरिजिन के पास वाला फ्रेगमेंट पहले बनेगा, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। तो पहले फोर बनेगा, फिर थ्री बनेगा, तब टू बनेगा। नंबरिंग पे ध्यान नहीं देना है। अभी हमने आपको इससे पहले जब एक्सप्लेन किया था, या देखिए यहाँ, हाँ ये देखिए, ये बड़ा डायग्राम है, यहाँ पर पहले लीडिंग बन रहा है और ओराई के पास देखिए सेकेंड नंबर थर्ड, इसीलिए हमने नंबरिंग डाल दिया है दोनों साइड, ऊपर नीचे पहला दूसरा तीसरा चौथा, और नीचे भी पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो ओराई के पास वाला पहले बनेगा, और यहाँ पर नंबरिंग केवल अपोजिट कर दिया है। तो नंबरिंग पे ध्यान नहीं देना है, हमको सिर्फ ओरिजिन देखना है, ओरिजिन से सटा हुआ कौन सा फ्रेगमेंट है वो पहले बनेगा। तो बी स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। सी स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, एमंग द ओकाजाकी फ्रेगमेंट सिंथेसिस ऑफ टू मीन सेकेंड फ्रेगमेंट अकर्स प्रियर टू सिंथेसिस ऑफ थर्ड एंड फोर्थ। तो नहीं, ये ओरिजिन से बहुत ही दूर है, इसका सिंथेसिस बाद में होता है, पहले फोर्थ का सिंथेसिस होगा, देन थर्ड का, देन सेकेंड का। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थर्ड वन, ठीक है। तो इस तरह वन बाय वन हम अपना कॉन्सेप्ट भी डील कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अगर कुछ सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।